कहते हैं कि हर मर्ज की दवा नहीं है दवाखाने में, हर मर्ज की दवा नहीं है दवाखाने में, जिंदगी के सारे गम मिट जाते हैं सच्चे दिल से मुस्कुराने में। खुशी के लिए किसी ने और बात कही कि फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुरा कर गम भुलाना जिंदगी है, जीत कर मुस्कुरा सके तो क्या बड़ी बात है, हार कर मुस्कुराना जिंदगी है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही खुशी के लिए कि जिंदगी में मुश्किलें तमाम है, फिर भी इन होठों पे मुस्कान है, अरे जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान है। किसी ने और अच्छी बात कही है खुशी के लिए कि जिंदगी हंसाती है ना जाने क्या क्या सिखाती है, जिंदगी हंसाती है ना जाने क्या क्या सिखाती है, जो हर हाल में खुश रहता है जिंदगी उसके आगे सिर झुकाती है। भगवान भी नहीं कहता है कि खुश रहो मुस्कुराते रहो। एक बच्चा दिन में 300 बार मुस्कुराता है, कितनी बार? 300 बार। एक वैज्ञानिक ने रिसर्च किया है, तो थोड़ा अपने तरफ उंगली करिए, बोलिए मैं कितनी बार? सर आप मुस्कुरा नहीं रहे। देखिए आप अपने जीवन में सक्सेस होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, शुरुआत करिए मुस्कुराने से, एक दूसरे को देख के मुस्कुराओ। और दूसरी बात, जब भी कोई अच्छी बात लगे रोज अपने दिमाग और ब्रेन का ब्लॉकेज खोलने के लिए ताली जरूर बजा दो। क्या करो? चलो फेंकते हैं आज, ठीक है? अपने हाथ ऊपर करिए। देखिए वो कौन कौन सी बातें हैं जो मुझे थका रही हैं, वो कौन कौन सी बातें जो मुझे हरा रही हैं, वो कौन कौन सी बातें हैं जो मुझे बोझिल कर रही है, वो कौन कौन सी बातें हैं टेंशन में ले आती है, वो कौन कौन सी बातें हैं जिससे मैं उदास हताश परेशान नाकामयाब कमजोर समझता हूँ। देखिए वो मेरे हाथ में आ गई है, ये बोझ है, ये ब्लैक बॉल है, एक ब्लैक बॉल की तरह आपकी हाथों में आ गया है, एक भारी सा हो गया है। अब एक काम करिए, इसे इस हॉल के बाहर फेंक दो। फेंक दो, मजा है कि नहीं है? रोज करना आप, ठीक है? जब भी बोझ आए, जब भी टेंशन आए, जब भी प्रॉब्लम्स आए, उसे ब्लैक बॉल की तरह समझो और क्या करो, फेंक दो। इसे फिर आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। कहते हैं मंजिलें उन्हें मिलती है, मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से नहीं दोस्तों हौसलों से उड़ान होती है। अब मैं आपको प्रूफ करके बताता हूं कि आपका माइंड बहुत पावरफुल है। देखिए बहुत लोगों ने कॉन्फिडेंस से हाथ उठाया कि मेरा माइंड पावरफुल है, लेकिन बहुत लोग एक दूसरे को देख के आप ऐसे हाथ उठा रहे हैं। प्रॉब्लम यही है, आजकल यही प्रॉब्लम है। जब भी हम कभी भी स्टूडेंट्स को सक्सेस के लिए हाथ उठाते हैं, वो बगल वाले को देखता है, बगल वाला हाथ उठा रहा है, यही हाल होता है। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, अगर आपको सक्सेस होना है, स्वामी विवेकानंद की इस बात को याद रखिए कि नास्तिक वह नहीं है जिसे ईश्वर पे विश्वास नहीं है, नास्तिक वह नहीं है जिसे ईश्वर पे विश्वास नहीं है, नास्तिक तो वह है जिसे अपने आप पे विश्वास नहीं है। आपका माइंड बहुत पावरफुल है, प्रूफ करूं? यस सर। प्रूफ करूं? यस सर। बाहुबली को किसने मारा? किसने मारा? खड़े हो जाइए मिस्टर कटप्पा, खड़े हो जाइए आप खड़े हो जाइए। आपको कैसे मालूम बाहुबली को किसने मारा? मैं भी देखता रहा। कब देखा था?
दो साल पहले टीचर्स ने क्या पढ़ाया? मिखेल सर, आजकल यही हो रहा है, बाहुबली हम लोग ज्यादा देख रहे हैं, कटप्पा ज्यादा देख रहे हैं। एक बच्चा तो आया मेरे पास में, उसने बोला सर आपको क्या मालूम, मैं बताता हूँ, उसने ऐसे करके ऐसे मारा, ऐसे करके मेरे को पूरा बताया उसने। बाहुबली देखते हो भैया, कितने देर लगता है देखने में? अच्छा, दो साल की बात याद है कि नहीं? तो माइंड पावरफुल है कि नहीं? लेकिन टीचर्स क्या पढ़ा रही वो याद नहीं है, क्योंकि माइंड में कटप्पा घुस गया है कि नहीं? तो इतना कटप्पा क्यों देखते हो मेरे भाई? है ना, देखो कटप्पा देखने से हमारी लाइफ में कोई चेंजेस आया क्या? है ना, तो हमें कटप्पा और बाहुबली से दूर रहना। तो आपका माइंड पावरफुल है कि नहीं, भाई साहब ने बताया ना, है ना? तो चलिए, अभी आपने एक एक्टिविटी देखा, मैं अब एक एक्टिविटी कराता हूँ आपको। हम सभी कौन है? सोल। क्या है? आत्मा है। परमात्मा कहाँ रहते हैं? तो आत्मा कहाँ रहती है? यहाँ पर, है ना, जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं, है ना, यहाँ पर तिलक लगाते हैं, बहने बिंदी लगाती हैं, तो यहाँ आत्मा रहती है, परमात्मा वहां रहते हैं। तो आत्मा में आपको हाथ कहाँ रखना है? यहाँ पर। और परमात्मा में उंगली कैसे करना है? ऊपर करना है, ठीक है? एक्टिविटी ही है, इससे भी हमारा मन एकाग्र होता है। और दूसरा मैं आपको बोलूंगा बड़ी मछली तो क्या बोलना है, कैसे करना है आपको? बड़ी मछली में हाथ छोटा करना है, छोटी मछली में हाथ, ठीक है? चलो ठीक है, अभी जो चीज बोलूंगा वो करना है, ठीक है? बच्चा बन जाए, है ना? चलो, आत्मा बोलना नहीं करना है, आत्मा बोलना नहीं है बस, सिर्फ करना है, ठीक है? आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा, परमात्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा, परमात्मा। छोटी मछली, बड़ी मछली, छोटी मछली, छोटी मछली, बड़ी मछली, छोटी मछली, बड़ी मछली, आत्मा परमात्मा, परमात्मा आत्मा, परमात्मा परमात्मा, छोटी मछली, बड़ी मछली, बड़ी मछली, छोटी मछली, आत्मा परमात्मा, ठीक है? जोरदार ताली अपने लिए। तो ये कुछ कुछ एक्टिविटीज है, आप अपने अंदर खुशी और अपनी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है? तीसरी बात जो डॉक्टर साहब ने बताई उसके ऊपर भी मैं आपको एक, देखिए आजकल विज्ञानी ने रिसर्च किया, जैसे ये बता रहे थे कि हमारा राइट और लेफ्ट ब्रेन दोनों काम करना चाहिए तो हम बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे, लेकिन हमारा राइट ब्रेन काम करता है, लेफ्ट ब्रेन काम कम करता है। तो ये एक एक्टिविटी है जिसको आप रोज करेंगे, उससे आपका लेफ्ट ब्रेन भी धीरे धीरे एक्टिव हो जाएगा, लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा। जिस प्रकार से एक दिन में एक्सरसाइज करके आप पहलवान नहीं बन सकते हो, उसी प्रकार से यदि अगर आप मेडिटेशन करेंगे, मन को शांत करेंगे, तो ये होगा, धीरे धीरे होगा। एक दिन में कई लोगों से जल्दी हो जाता है, कई लोग से देर से होता है, ठीक है? मैंने भी बहुत प्रैक्टिस किया तब हुआ, ठीक है? डॉक्टर साहब थोड़ा पकड़ेंगे इसको, अभी देखिए मैं जो कर रहा हूँ वो करना आपको, ठीक है? अपने राइट और लेफ्ट ब्रेन दोनों को एक्टिव करने के लिए हम स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, ठीक है? अभी आपको देखना है, बेनिफिट करना है, ठीक है? मेरा राइट ब्रेन कैसे, राइट लेफ्ट, राइट हैंड कैसे काम कर रहा है? क्लॉकवाइज, 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 बोलो होगा, दोनों ब्रेन धीरे धीरे एक्टिव होगा तभी ये संभव हो जाएगा, ठीक है?
इसके इससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये कैसे होगा? ये होगा राजयोग मेडिटेशन से। क्या? किससे होगा? मेडिटेशन करने से। आप देखिए, या बाद में करना सिस्टर, बाद में कर लेना, ठीक है। अब मैं आपको महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे सभी, प्लीज बातें ना करें, ध्यान से सुने। आज हम अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? वो शरीर को भोजन देते हैं कि नहीं देते हैं? कितने टाइम देते हैं? माइंड को भोजन देते हैं? नहीं देते हैं। माइंड को चार्ज कर रहे हैं आप? इसीलिए कटप्पा याद है, सर जो पढ़ा रहे वो याद नहीं है, है ना। तो अपने माइंड को हमें चार्ज करना सीखना होगा, और ये माइंड को चार्ज कैसे कर सकते हैं? पावर ऑफ मेडिटेशन, जिसे राजयोग मेडिटेशन, जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में निशुल्क सिखाया जाता है, ठीक है। अब राजयोग मेडिटेशन क्या है, मैं वो आपको सिखाता हूँ, ठीक है। बहुत इजी होता है, एक एक्टिविटी के माध्यम से। रीढ़ की हड्डी सीधी करो, रीढ़ की हड्डी सीधी करिए। अब मैं आपको एक विजुलाइजेशन दिखाऊंगा, उसको देखना है मन और बुद्धि की आंखों से, ज्ञान के तीसरे नेत्र से, थर्ड आई जिसको कहा गया है। आंखें बंद करिए, आंखें बंद करिए। अब आप महसूस करिए, जैसे मैं 10 to 0 काउंट करूंगा अपने भीतर जाएंगे, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। मोर डिपर डिपर, अपने अंतर मन की गहराई में जाए। देखिए कौन से विचार चल रहे हैं मेरे अंदर, मेरे विचारों की स्पीड क्या है, बहुत तेज स्पीड से चल रहे हैं थॉट्स या नॉर्मल है? अगर तेज चल रहे हैं तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे नॉर्मल होगा, क्योंकि तो आप भगवान की संतान है, आप एक सोल है, एक शक्तिशाली आत्मा है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, आपके अंदर वो पावर है, आप भगवान की संतान है। यू आर द हीरो, यू आर द टाइगर, यू आर द विनर, आप जीतने के लिए आए हैं। महसूस करिए। अब अपने घर को देखिए, आपका घर दिखाई दे रहा है, ज्ञान से तीसरे नेत्र से, थर्ड आई से। आपके मम्मी पापा आपको दिखाई दे रहे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं, महसूस करिए। एक शिव जी का मंदिर है, महसूस करिए, उसमें आपको शिव परमात्मा दिखाई दे रहे हैं आकृति रूप में, वो आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, उसकी पावरफुल ब्लेसिंग, उसके थॉट, पावरफुल थॉट आप तक पहुंच रहे हैं। अपने घर को देखिए, आपका घर दिखाई दे रहा है, घर में बहुत अच्छी अच्छी वस्तु रखी हुई, उसे देखिए। घर के किचन में चले गए हैं आप, घर के किचन में जाइए, एक फ्रिज रखा हुआ है, फ्रिज में से 2 नींबू निकाल रहे हैं आप, नींबू को काटिए, नींबू को काट रहे हैं आप, नींबू को निचोड़ रहे हैं अपने जीभ में, महसूस करिए, नींबू निचोड़ रहे हैं, उसका खट्टा खट्टा रस आपके जीभ में आ रहा है, नींबू का रस निचोड़ रहे हैं आप, स्लाइवा आ चुका है। बगल में इमली भी रखी हुई है, इमली को जीभ से लगाइए, देखिए खट्टा खट्टा रस आपके जीभ में आ रहा है। आपकी मम्मी ने आपके लिए पानी पूरी बनाया हुआ है, उसे खाइए और उसका पानी पीजिए, देखिए जीभ में स्लाइवा आ चुका है, महसूस करिए। अब जैसे ही मैं 3, 2, 1 बोलूंगा अपनी आंखें खुलेंगे, 3, 2, 1 अपनी अपनी आंखें खोलिए। किसके किसके मुंह में पानी आया है? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और किसके मुंह में पानी नहीं आया? आप खड़े हो जाइए। अच्छा, एक बार क्या हुआ, मैं एक बार स्टूडेंट लोग की क्लास ले रहा था, तो एक बच्चे के मुंह में पानी नहीं आया, एक भाई के मुंह में पानी नहीं आया, मैंने कहा क्यों नहीं आया, तो उसने कहा मेरे घर में नींबू था ही नहीं, मेरी मम्मी बाहर गई थी, मेरे घर में लॉक लगा हुआ था। मैंने कहा कहाँ थे भैया, आपका ध्यान कहाँ था? पता नहीं सर, मुझे नहीं मालूम। कोई बात नहीं, एक बार कभी कभी प्रैक्टिस से हो जाता है, कभी कभी प्रैक्टिस से देर में होता है, ठीक है, बैठ जाओ। अच्छा, किस किसने नींबू खाया, मुँह में पानी आया? किसने किसने इमली खाई, मुँह में पानी आया? किसने किसने गोलगप्पे खाए, मुँह में पानी आया? अच्छा, खड़े हो जाओ सिस्टर, पीछे आप खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अच्छा, आपने नींबू खाया, कहाँ खाया दिखाइए,
आपने इमली खाई? कैसे खाया? कैसे खाया? घर कैसे गए आप? मन से, है ना? जोरदार ताली हो जाए। नींबू खा करके आ सकते हैं, उन्हीं खा करके आ सकते हैं, हमारे जीव में स्वाइवा आ सकता है, तो मेडिटेशन करने से परमात्मा की शक्ति आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। मेडिटेशन करना चाहिए कि नहीं? आएगी। कौन कौन रोज मेडिटेशन करेगा? बहुत अच्छी बात है, बात आपको समझ में आ गई। जोरदार ताली आपने बजा दी। अच्छा, आपको कोई डिफिकल्ट महसूस हुआ? कोई कठिनाई महसूस हुई आपको? बहुत ईजी है, और ये उतना ही इजी है जितना कि पढ़ाई करना, ये उतना ही जरूरी है जितना कि भोजन करना, ये उतना ही जरूरी है जितना रोटी कपड़ा मकान जरूरी, उससे भी ज्यादा जरूरी, क्योंकि मन का शक्तिशाली होना जरूरी है। ठीक है, तो रोज मेडिटेशन आप करिए। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में 7 दिन का कोर्स कराया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप कभी भी आकर के 7 डेज का कोर्स सीख करके आप मेडिटेशन करके अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, ना तो जिंदगी में जीतना जरूरी है, ना जिंदगी में हारना जरूरी है। ना तो जिंदगी में जीतना जरूरी है, ना तो जिंदगी में हारना जरूरी है। ये जिंदगी का खेल है, इसे खेलना जरूरी है, इसे खेलना जरूरी है। सर जी का भी बहुत बहुत थैंक्स, आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स, आपने हमारी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक एकाग्रतापूर्वक सुना, और आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, आप सदा मुस्कुराते रहें, यही शुभकामना। थैंक यू।